हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सुख समृद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का रंग कौन सा है, माँ को कौन सा भोग लगाएं, मंत्र और पूजा विधि। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, 5 अप्रैल मंगलवार को नवरात्रि का चौथा दिन है। यह दिन माँ दुर्गा के चतुर स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार अपनी मंद मुस्कुराहट व अपने उदर से ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा तेज की देवी का प्रतीक है। मान्यता है कि ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में जो तेज है वह माँ कुष्मांडा की देन है। जाने माँ कुष्मांडा का भोग, पूजा विधि, रंग और मंत्र। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूरण कलश, चक्कर तथा गदा है। 8वें हाथ में जप माला है। माँ सिंह की सवारी करती है। नवरात्रि के चौथे दिन का शुभ रंग। नवरात्रि के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस भोग को लगाने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंध, अक्षित, लाल पुष्प, सफेद कुम्हड़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सम्मान अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं। आप फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। माँ का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा के अंत में माँ की आरती करें। देवी कुष्मांडा का मंत्र। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है माँ कुष्मांडा का भोग, पूजा विधि, शुभ रंग और मंत्र। आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय माता दी।